नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे, आप देख रहे हैं तरंगड़ी 4 न्यूज। बताना चाहूंगा कि अभी 16 फरवरी 2021 आप भूले ना होंगे, क्योंकि वो दिन तो जरूर भूल गए होंगे। अगर याद दिलाऊंगा तो याद जरूर आएगा, क्योंकि ये ऐसा हादसा ही था कि आप उसको भूल नहीं सकते। जी हाँ, 16 फरवरी 2021 की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उससे एक बड़ा हादसा हुआ था उस दिन। उस दिन का जो ये हादसा था वो था बस हादसा, जिसमें 54 लोगों की जान गई थी। जहाँ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 16 फरवरी 2021 को ये जो बस हादसा हुआ था जिसमें लगभग 54 लोगों की जान गई थी, इसमें से 2-3-4 लोगों की जान भी बचाई गई थी, जिनमें 2 लोगों की जो जान बचाने वाली वो लड़की थी, वो थी शिवरानी लुनिया। जी हाँ, वहीं की सरदा गांव की मैं बात कर रहा हूँ, जो रामपुर नैकिन थाना के अंतर्गत ये मामला आता है। जहाँ आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला था वो यही था कि वहां पर बचाने वाली कोई लड़की थी, तो वो थी शिवरानी लुनिया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा इसमें कि सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो आज ये है कि शिवरानी लुनिया के भाई की स्कूटी आज नहर में गिर गई है फिर से। और जो ये हादसा नहर में फिर से आज देखने को मिल रहा है, ये आए दिन बना रहता है कि कुछ न कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं। लेकिन उसका कहना ये है कि जो मेरे भाई की जो स्कूटी, जो उसका भाई चला रहा था वो स्कूटी, वो जो नहर में गिर गई है, तो आप लोग कृपया सरकार से उसने मिन्नते की है कि नहर का अगर पानी आप रोक देंगे तो मैं इसमें से अपनी स्कूटी निकाल पाऊंगी। लेकिन अब आखिर में जो ये मिन्नते कर रही है वो देखने लायक ये होगा कि क्या सरकार इसकी मिन्नतें जो है वो सुनती है या नहीं, क्या नहर का पानी बंद होता है या नहीं। अब ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से ये इस लड़की ने ये कहा है कि पानी बंद किया जाए, या और उसने जो मिन्नतें की है, और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उसी नहर से इसको 5 लाख रुपए मिले थे, और शायद इसके भाई को भी 5 लाख रुपए मिले थे, जिसके चलते इन लोगों ने गाड़ियां वगैरह शायद खरीदा था। नहीं तो इनके हालात जो थी वो बहुत बुरी और बहुत बदतर थी, जो इन लोगों के द्वारा खुद ही बताया गया था। अब जो नहर से ही पैसे निकल के और जो सरकार के द्वारा पैसे मिले थे, उसी पैसे से इन लोगों ने गाड़ी खरीदी और आज वही गाड़ी आज नहर में जा गिरी। अब देखना यह होगा कि क्या इसकी मिन्नतें सरकार सुनती है या नहीं, नहर का पानी बंद होता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। देखिए उसका बयान। शिवरानी लुनिया मेरा नाम है, मैं सरदा से हूँ। मेरे भैया इधर हम लोग गए थे इधर नहर के साइड में, तो गाड़ी लेकर गए तो उसका ब्रेक दब रहा था, तो भैया को बोले कि ब्रेक बना दो, इसका थोड़ा अटक रहा है, चल नहीं रहा है। तो भैया बना रहे थे, तो उसी के समय जब बनाए वो, तो बनाने के बाद वो चालू करे तो झटके से नहर में चली गई। उसके बाद नहर में चली गई गाड़ी, भैया भी गिर गए, उनके भी चोट लगी। तो ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा नहर बंद हो जाती तो हम अपनी गाड़ी निकलवा लेते। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।